बार से आए हुए किसानों का एहतजाज बदस्तूर जारी। आइए आज इनसे बात करते हैं कि इनके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे और इनके क्या मुतालबात हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं किसानों के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात हुए और इनके क्या मुतालबात हैं। अच्छा भाई, तो आप हमें बताएँ कि आपके हुकूमत के साथ क्या मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात ये थे कि एक हमारा जो यूनिट है बिजली का वो 35 से 40 रुपये हो गया था, और बाकी जो खाद हमें मिल नहीं रही थी, डीजल महंगा था जिससे मेरी गंदम काश्त नहीं हो पा रही। इसलिए हमने ये सारे किसान आए और इधर आके बैठे हैं और गवर्नमेंट को बताया कि अगर आप ये इश्यूज़ हल नहीं करेंगे तो मेरे पाकिस्तान में गंदम की काश्त नहीं होगी। सैलाब की वजह से हमारे रकबे सारे तबाह हो गए हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि अगर आपने ये ना किया तो मुल्क मेरा कहत की तरफ चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी हाजी मोहम्मद हनीफ रामे फ्राम साहिवाल। अच्छा भाई, फ़र्ज करे कि हुकूमत आपके ना जो मुतालबात है वो नहीं मानती, तो आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? इंशाल्लाह जी, जब तक वो हमारी हुकूमत जो है ना हमारे मुतालबात नहीं पूरे करते, हम यहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे में दम है ना, हम इंशाल्लाह यहीं बैठेंगे। अच्छा, फ़र्ज करें कि अगर हुकूमत आप पे कोई ऑपरेशन कर दे तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? एक दो दफ़ा इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। अगर हुकूमत पुलिस या कोई भी है हमारे पे तशद्दद करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो हम ईंट का जवाब पत्थर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला एक ईंट का जवाब पत्थर होगा, जो अगर लाठी चार्ज करेंगे तो हम भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म नाल। जब वो गोलियां बरसाएंगे तो हम लाठी बरसाएंगे इंशाल्लाह। किसान भाई हैं इंशाल्लाह, हम सारे दोस्त हैं किसान है, तो अपना हक लेने आए हैं हम यहाँ से, इंशाल्लाह अपना हक लेकर ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके क्या मुतालबात हैं? हमारा यही मुतालबात है ना कि हमारे बिजली का बिल जो टैक्स वगैरह वो ख़त्म किए जाएँ, हमें DAP यूरिया खाद जो है वो रेट मुनासिब किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? अब्दुर्रहमान भट्टू, बागपतन से आया हूँ मैं। अच्छा सर, अगर फर्ज करें कि आपके हुकूमत के साथ जो मुतालबात है वो नहीं बन जाए, तो आप कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात मान कर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी हम यहीं बैठेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि बिजली का रेट कम अज़ कम वो कर दिया जाए ट्यूबवेलों पर जो इमरान खान के दौर में 5 महीने पहले था, और डीजल जो है उसका रेट भी हमें वो दे दिया जाए जो इमरान खान 5 महीने पहले छोड़कर किया था। तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि कम अज़ कम हमारी खाद का रेट जो है वो निसफ किया जाए। डीजल इस कदर महंगा हो गया है कि हम काश्तकारी नहीं कर सकते। बिजली इतनी महंगी कर दी गई है कि हम अब अपने ट्यूबवेल चलाकर आपपाशी नहीं कर सकते। जब हम आपपाशी नहीं कर सकेंगे, फूड सिक्योरिटी हमारी फसलें नहीं होंगी, जिससे मुल्क को फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम पैदा होगा और मेरे मुल्क का ज़रे मवादा का नुकसान होगा, मेरे मुल्क में कैद होगा, जो हम किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम फूड सिक्योरिटी कभी कम नहीं होने देंगे, हम उसके लिए जान भी देंगे, लेकिन मुल्क के पर, मुल्क की मैशत पर, मुल्क की फूड सिक्योरिटी के पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि किसान पुरअमन एहतजाज पर हैं, और इनका कहना है कि हुकूमत जब तक इनके मुतालबात नहीं मानेगी ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इसी के साथ कैमरामैन मलिक निकाश के साथ हमजा अयाज, देसी TV USA, इस्लामाबाद।